हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MZS वुडवर्क। और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MZS वुडवर्क। और आज मैं आपको बताने वाला हूं रोटर मशीन के बारे में। तो ये जो हमारी रोटर मशीन है, ये इंडिगो कंपनी की है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मशीन है और इसको काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी हैवी मशीन है। जिसके हम अगर वेट की बात करते हैं तो ये 5 kg वेट के साथ आपको मिलती है। वो एक और हम इंडिगो की मशीन लेने वाले हैं, तो उसकी हम वीडियो आपको प्रॉपर बताएंगे कितने रुपये की मिलती है और ये इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और ये कितने रुपए की मिलती है और इस मशीन की जितनी भी डिटेल होएगी हमसे हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम इसकी यूजिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप इससे डिज़ाइन पल्ले पर किस तरह से डाल सकते हैं। तो आपको कौन से बिट का यूज़ करना है, वो मार्केट में किस नाम से मिलेगा बिट आपको, तो आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे दिए गए लाल वाले बटन को आप क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी को भी दबा दें। जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेकर आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आपको। तो अब हम आपको बताएंगे इस मशीन का आप बिट किस तरह से चेंज करोगे, इससे डिज़ाइन किस तरह से डालेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक प्रॉपर देखें। तो अब हम आपको बताते हैं इस मशीन का जो है बिट किस तरह से चेंज किया जाता है। और जो दूसरे बिट लगाने वाले हैं हम, तो वो ये बिट है जो हमने ये मार्केट से 150 रुपये का लिया है। हमारा बिट है ये फॉरएवर कंपनी का है और ये जो इसका आर्टिकल नंबर है ये 110 नंबर का बिट है। तो ये मार्केट में आपको 110 नंबर के बिट से मिल जाएगा। जो हमने जिस दुकान से परचेज किया है 110 नंबर से ही मिल गया है। तो इसकी कीमत है वो 150 रुपये है। तो ये बिट आपका जो देखने में किस तरह से है ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से आपका बिट है। ये हमारा बिट कुछ इस तरह से है। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन डालता है और ये आधा इंची के साइड में आपका ये डिज़ाइन डालता है। तो अब हम इसको इसमें फिट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इसकी फिटिंग की जाती है और बिट को किस तरह से लगाया जाता है बहुत आसान तरीके से। तो इस वीडियो में आप बने रहें, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इसमें जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जो इससे हमारा रोटर का बिट चेंज होगा, उसके लिए आपको एक तो 22 नंबर की ये एक 20 और 22 नंबर की चाबी ले लेनी है। तो ये हमारा जो ये इस वाली चाबी का साइज है वो 20 नंबर और 22 नंबर है। जो नीचे से है ये आपकी 20 नंबर है और ऊपर से 22 नंबर है। तो इसी के साथ साथ आपको एक चाबी याली लेने ली है जिसका साइज 16 नंबर है और 17 नंबर है। तो इन्हीं दो चाबी की मदद से हम अपने रोटर मशीन का बिट चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं रोटर मशीन का बिट किस तरह से चेंज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटर का बिट को चेंज करना। तो ये आ गई हमारी रोटर मशीन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारा आगे का इसका मत्था है इसको हम आगे कर लेते हैं। तो ये किस तरह से आगे किया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये लूज कर लेना है। उसके बाद अब आपको इसको पलट लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाना, तो ये आपको ये दो बोल्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको अब हम लूज कर लेते हैं। तो कुछ ये इस तरह से आपके ये लूज हो जाएंगे। तो ये वाला बोल्ट जो है इसका लूज कर लेना है। उसके बाद इसको जब आप पीछे से घुमाएंगे तो ये आगे को जाएगा। तो ये देखिए एक अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा ये मुंह हो रहा है। तो ये हमारा बोल्ट पूरा आगे को हो चुका है। तो अब ये हमारा बोल्ट भी साफ दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें आसानी से चाबी डाल सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको खोला कैसे जाता है। तो ये इसमें आपकी जो चाबी लगेगी वो 22 नंबर वाली आपको इस वाले बोल्ट पर लगा लेनी है। तो इस तरह से आपको पहले चाबी यहाँ फंसा लेनी है। तो ये आपको यहाँ पर चाबी फंसा के जो है ना, उसके बाद अब आपको इसे लूज कर लेना है। तो ये हमारा जो यहाँ से लूज हो रहा है तो ये लेफ्ट वाली साइड को लूज हो रहा है और राइट वाली साइड को ये टाइट होगा। तो इसको जो हम कसेंगे वो राइट साइड को कसेंगे और ये इसको लूज जब करेंगे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमारा रोटर मशीन रखी हुई है आपको लेफ्ट वाली साइड को ही चाबी घुमानी है। उसके बाद ये हमारा आसानी से लूज हो जाएगा। तो ये हमारा लूज हो चुका है। तो अब हम अपने बिट को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बिट आसानी से निकल चुका है। तो अब हम अपना बिट लगा लेते हैं। तो यही बिट लगाएंगे हम इसमें। तो ये देखिए आपको ये इसमें डाल लेना है कुछ इस तरह से। तो आपको इसमें इसी बात का ध्यान रखना है, इसको काफी मजबूती से आपको टाइट कर लेना है। तो ये हमारा बिट लग चुका है। अब हम इसकी ट्राई लेते हैं। तो बोल्ट जो होते हैं आपके, इसको अपनी जगह पर आपको सेट कर लेना है। अभी फिलहाल हम इसको कमी टाइट रहने देते हैं।
और उसके बाद हम एक लकड़ी पर ट्रायल लेकर देख और इसमें 16 के 16 खानों में हम रोटर मारेंगे और आपको दिखाएंगे अब इसकी कंडीशन कैसी हो रही है और रोटर लगने के बाद कंडीशन कैसी होगी। तो ये हमने लकड़ी इस पर लगाई हुई है। सबसे पहले तो हमें उस लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेना है जो हमने ये ले लिया है टुकड़ा इस लकड़ी का। तो अब हम इस लकड़ी पे ट्राई करके देखते हैं। इसी से आपको देखो अगर हम इस पर डायरेक्टली मारते हैं कुछ कमी आती तो ये यहाँ पर साइज में जो है प्रॉब्लम फर्क आ जाता। लेकिन अब हम एक लकड़ी पर ट्राई करके देख लेंगे और इस पर जो कमी होगी वो पूरी इसी पे हम निकाल लेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा बिट कितना ज़्यादा नीचे है। तो अब हमें इस बिट को बिल्कुल फेस में ले लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फेस में किस तरह से लिया जाएगा। ये लूज कर लेना है याला और याला थोड़ा सा नट भी लूज कर लेना, याला बोल्ट भी आपको लूज कर लेना है। तो ये दोनों नट आपको लूज कर लेना है। उसके बाद अब आपको इसको ऊपर को उठाना है। सही आ रहा है ये देखिए, आपको ये इतना ही करना है। ये थोड़ी सी हमें इसकी टक्कर जो है ना हमारी लकड़ी पर ये इसकी टक्कर थोड़ी सी आपकी ये नीचे है, दिख रहा है आपको ये देखिए। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल पेस में ले लेना है डिजाइन वाला। तो इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा नीचे और ले लेंगे। आपको ये थोड़ी सी इसकी जो ये टक्कर है ना ये लकड़ी पर दिखानी है जो इसका लास्ट वाला डिजाइन है वो थोड़ा सा आपकी लकड़ी पर आ जाए। इसलिए ये हमारा डिजाइन इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये दिख रहा है आपको। ये देखिए आप, ये पूरा प्रॉपर हमारा बिट का साइज आ रहा है और डिजाइन भी आ रहा है। तो इसी तरह से अब हम अपने इस पल्ले पे मारते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप बने रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए आप, हमारा काफ़ी बेस्ट डिज़ाइन आ रहा है। तो इसी तरह से अब हम इस पे पूरे पे मार लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको इसी तरह से सेम इसी कंडीशन में आपको रोटर मार लेना है तो आपका बिल्कुल ही फर्क नहीं आएगा।